मूविंग टू द नेक्स्ट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वंट दैट इज वॉटर फॉरअस हमने कल दो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है फर्स्ट डिप्लिशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमने कहा कि सोलूड एड करने पर वाटर का फ्रीजिंग प्वाइंट कम हो जाता है

एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में तो बॉयलिंग पॉइंट अब 100 नहीं रहेगा क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस करने के बावजूद वन इतना वेपर प्रेशर अचीव नहीं होगा इट इज लेस देन वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इन टू एक्वायर द प्रेशर इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर वी डिस्कस्ड वी आव टू इनक्रीज द टेम्परेचर अबो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस यह 110 हो सकता है 120 हो सकता है 130 हो सकता है ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस वी द दिस टू प्रॉपर्टीज वी थर्टी इन द लास्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट प्रॉपर्टी जो वाटर की है क्वालिगे प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोसिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आगे भी ऑस्मोसिस टर्म आएगी सेल बायोलॉजी में और प्लांट प्लांटलॉजी लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिसमोसिस समझना है तो पहले हमें डिफ्यूजन क्या होता है इसे समझना जरूरी होता है एवरी मॉलिक्यूल इन द नेचर एवरी आइटम इन द नेचर एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल दिखने में स्टार्टिक दिखता है लेकिन वो स्टार्टिंग नहीं है उसमें कुछ अमाउंट में कानेटिक एनर्जी होती है ईच मॉलिक्यूल है और जनरली जब भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है कोई भी मॉलिक्यूल हो वह मॉलिक्यूल जनरली उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर से उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर माइग्रेट करता है मूव करता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन दै दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ये जो प्रोसेस है मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की फ्रॉम हाई concentration टू लो concentration, दिस इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन डिफ्यूजन किसी का भी हो सकता है डिफ्यूजन इज इट मींस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई concentration टू लो concentration. डिफ्यूजन ये पैसिव प्रोसेस है पैसिव इन द सेंस इसे करने के लिए किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है या हम कहेंगे डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बिकॉज इन नॉट टू कैरी आउट द डिफ्यूजन देर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल आउटपुट ऑफ एनर्जी इनपुट ऑफ एनर्जी इसी डिफ्यूजन से रिलेटेड हम एक टर्म यहां पर पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोसिस ऑसमोसिस इज आगेन अ डिफ्यूजन बट ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है osmosis. Osmosis Osmosis is a special kind of diffusion. It is actually the diffusion of water, diffusion of water from its high concentration to its low concentration through. सेमी परमिएबल तो आस्मोसिस इज अगेन अ डिफ्यूजन ऑफ वॉटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वी कैन सेन इन ऑसमोसिस देर आर थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स फर्स्ट वॉटर शुड मूव ये किसकी मूवमेंट है वॉटर की मूवमेंट है फ्रॉम वेर टू वेयर इसके हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर से इसकी लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है थ्रू द सेमी परमिबल मेम्रेन नॉर्मली वाटर एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है अलॉन्ग इट गेंट इट इज नॉट कॉल्ड एजिस इट इज सिंपली नोन एज डिफ्यूजन बट ये जब सेमी परमेबल मेमरेन थ्रू होना स्टार्ट होता है हम इसे कहना स्टार्ट करते हैं समझने के लिए यहाँ पर एक चीज और एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम यहां पर डिस्कस करेंगे दिस इज़ इज़ द बीकर बीकर सेपरेटेड कंपार्टमेंट्स। ये कोई है, हमने इसे दो कंपार्टमेंट्स में बांट दिया है एंड द कंपार्टमेंट इज मेड थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है अब सेमी परमिएबल का मतलब क्या है किसी को परमिएबल है किसी के लिए इम परमिएबल है मेनली ऐसा मेम्ब्रेन जो वाटर को अलाउ करे ट्रांसपोर्ट के लिए और ऐसा मेम्ब्रेन जो सोल्यूट को अवॉइड करे ट्रांसपोर्ट के लिए दिस इज कॉल्ड अ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन ये ऐसा मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू वॉटर मूव हो सकता है बट सोल्यूट मूव नहीं हो सकता है नाउ कंसिडर देर इज वन सोल्यूशन ये इस साइड में सॉल्यूशन ये है इस साइड में सॉल्यूशन बी है ऐसे दो सॉल्यूशंस है यहाँ पर पॉइंट वन मोलार कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का और यहाँ पर पॉइंट टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का तो हमने इसे सेमी परमिबल से सेपरेट कर रखा हुआ है यहाँ पर सिर्फ प्योर वाटर नहीं है यहां पर क्या है वाटर किस किसी सोल्यूट के साथ एसोसिएटेड है सोल्यूशन के फॉर्म में है कैन यू टेल मी इन विच सोल्यूशन वाटर इज मोर वाटर कहाँ पर ज्यादा है कौन से सोल्यूशन में सोल्यूशन वन में यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है भले ही दोनों वन वन लीटर लेकर देखे दोनों की वॉल्यूम वन लीटर है लेकिन पहले सोल्यूशन में सोल्यूट कम है तो वाटर ज़्यादा होगा यहाँ पर सोल्यूट कम है दैट्स वाई वाटर इज मोर और यहां पर सोल्यूट ज्यादा है इस वजह से वाटर लेस है हमने देखा कि क्या होता है दोनों को सेपरेट कर रखने, रखने के बाद सेमी मेम्ब्रेन से वाटर अब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है व्हाट विल हैपन इस कंपार्टमेंट में से कौन निकल कर जा रहा है इसकी अमाउंट कम हो रही है सॉल्वेंट तो कम हो रहा है और इस कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट बढ़ रहा है ठीक है और यह मूवमेंट किसकी है वाटर की मूवमेंट है थ्रू सेमी परमिबल ऑस्मोसिस बट ऑस्मोसिस कहां से कहां होता है पहली बात समझने वाली है यहां पे फर्स्ट वाटर मूव फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन खुद के हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट शुड बी अंडरस्टूड बट मान लीजिए दोनों कंपार्टमेंट्स में वाटर ही रहता प्योर वाटर तो वाटर मूव होता क्या दोनों कंपार्टमेंट्स में साइड में भी वाटर है इस साइड में भी है. Means, हाँ, एक आ जाता तो एक ट्रांसपोर्ट जीरो हो जाता तो डिफ्यूजन के लिए वाटर अकेला रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली डिफ्यूजन हो क्यों रहा है वट इज डिफ्यूजन आकर डिफ्यूजन आकर आकर क्यों हो रहा है या वॉटर एक कंपार्टमेंट से दूसरी कंपार्टमेंट में मूव क्यों हो रहा है दिस इज टू कैरी आउट द इक्वलाइजेशन और टू मेक द कॉन्सेंट्रेशन इक्वल इन बोथ कंपार्टमेंट्स दोनों कंपार्टमेंट्स में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल बनना चाहिए ठीक है अब किस कंपार्टमेंट में सोल्यूट ज्यादा है कंपार्टमेंट बी में वाटर तब तक बी कंपार्टमेंट में जाता रहेगा सॉल्वेंट बढ़ रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा थोड़ी देर बाद हमने देखा पहले तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर पॉइंट वन मोलार है पॉइंट टू मोलार यहां पर था थोड़ी देर बाद यहां पर कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट मोलार हुआ और यहाँ पर पॉइंट वन नाइन हुआ क्यों हो रहा है इसे वाटर एक कंपार्टमेंट से निकल रहा है दूसरी कंपार्टमेंट में चला जा रहा है क्यों हो रहा है ये समझने के लिए हम ये यह बात यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर बाद देखा गया तो ये वन टू हुआ ये पॉइंट वन एट हुआ इसका मतलब वाटर की टेंडेसी किसकी ओर जाने की जहां पर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का ज्यादा होता है उस तरफ जाने की यहां पर पॉइंट वन थ्री हुआ अब आ, जाकर यहाँ पर वन सेवन हो रहा है यहाँ पर वन फोर हुआ यहाँ पर वन सिक्स हुआ अब यहाँ पर हो रहा है और यहां पर भी पॉइंट वन फाइव हो रहा है तो दोनों कंपार्टमेंट में भले ही वॉल्यूम अलग अलग हो लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेम हो चुका है इस कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन वन पॉइंट वन फाइव बना है इसका भी पॉइंट बना है इसके पहले क्या हो रहा था ज्यादातर वाटर मॉलिक्यूल्स कंपार्टमेंट ए से कंपार्टमेंट बी में जा रहे थे और तो बहुत तो तो रेयरली कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बी से ए में आ रहे थे कौन सी डायरेक्शन का रेट ज्यादा था फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन का रेट कम था लेकिन अब क्या हुआ कॉन्सेंट्रेशन कम होने के बाद दोनों का इक्वलाइज होने के बाद जितने वाटर मॉलिक्यूल ए कंपार्टमेंट से बी में जा रहे हैं उतने के उतने वाटर मॉलिक्यूल्स बी से ए में आ रहे हैं कैन यू टेल अबाउट द स्टेटस ऑफ ऑस्मोसिस और इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पहले now we can say, there is a equilibrium, क्योंकि दोनों का रेट सेम हो रहा है तो आप क्या हो चुका है? Equilibrium चुका है 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 आ कब तक continue रहती नेट आउटपुट देती है जब तक इक्विलिब्रियम ना आए इट इज आगे ना थर्मोडाइनेक्स ना. में हमने डिस्कस किया है कोई भी प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगी कब तक output रहे अपना आउटपुट देती रहेगी अपना इफेक्ट देती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो बट इसका मतलब ऐसा कदा भी नहीं है कि पर आने पर जितने वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट टू राइट जा रहे उतने के उतने राइट टू लेफ्ट आ रहे तो नेट चेंज तो कुछ दिखेगा नहीं वॉल्यूम तो चेंज होगी नहीं दोनों कंपार्टमेंट्स की तो इन जनरल ऑस्मोसिस होती क्यों है टू इक्वलाइज कॉन्सेंट्रेशन इन बोथ कंपार्टमेंट्स ठीक है और ऑस्मोसिस को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट पहले तो डेफिनेशन हमने की है मूवमेंट वाटर फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये तो डेफिनेशन हमने ऑलरेडी लिखी है ये एक डेफिनेशन हुई लेकिन अल्टरनेटिवली वाटर यहाँ पर आसमोसिस में और एक चीज जो बैकग्राउंड में चल रही है वाटर मुंह क्यों हो रहा है अपनी वजह से नहीं हो रहा है वाटर वाटर अपनी वजह से यहां पर मुंह नहीं हो रहा है इज नॉट एक्चुअली आउटपुट ऑफ वाटर किसकी वजह से हो रहा है इस डायरेक्शन में क्यों जा रहा था क्योंकि इस डायरेक्शन में वाटर को क्या ज्यादा दिखाई दे रहा था सोलूट इसका मतलब आसमोसिस जो प्रोसेस है ये कि किसका फंक्शन है इट इज अ फंक्शन ऑफ

लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू लो सोल्यूट कॉन्ट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वापस एक टर्म आएगी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो किसके हिसाब से वाटर मूव हो रहा था सोल्यूट के हिसाब से ठीक है नेक्स्ट थिंग कब तक ऑस्मोसिस होगी किस पर डिपेंड है कितनी देर तक ऑस्मोसिस होगी कितना वाटर ए से बी में जाएगा ये किस पर डिपेंड है अमाउंट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन ग्रेडियंट ऑफ सोल्यूट अक्रॉस टू पॉइंट्स यहां पर कब तक हुई जब तक पॉइंट वन फाइव मोलर कॉन्सेंट्रेशन ना बने मान लीजिए यहां पर वन रहता और यहाँ पर पॉइंट फोर रहता तो कहां तक आसमोसिस और कब तक चलती है दोनों का मिलकर पॉइंट फाइव होता है तो हाफ उसका दोनों कंपार्टमेंट में आना चाहिए थोड़ी तो ज्यादा देर तक ऑसमोसिस चलती रहेगी ऑसमोसिस कितनी देर तक चलेगी डिपेंड किस पर है सोल्यूट कौन सा है इस पर डिपेंड नहीं है अमाउंट ऑफ आसमोसिस साइज और किसी मॉलिक्यूल के नेचर का इफेक्ट नहीं होता है लेकिन उनके नंबर या कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट होता है उसे कहा जाता है क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीटिव प्रॉपर्टी ये तो हमने बीकर में डिस्कस किया यही चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी हो सकती है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या है एक सेमी मेम्ब्रेन है लेट्स अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू इंट्रोड्यूस वन मोर टर्म रिलेटेड टू द ऑस्मोसिस मान लीजिए यहाँ पर कोई बीकर है यहाँ पर हमने कोई बीकर लिया हुआ है इसमें प्योर वाटर रखा हुआ है या कुछ वाटर का सोलूशन रखा हुआ है इसमें हमने कोई सेल सस्पेंड कर दी यू कैन से कंसिडर एनी सेल समझने तो के लिए हम यहां पर लेकर चल रहे हैं प्लांट सेल तो हमने कुछ प्लांट सेल यहां पर रख दी है प्लांट सेल का एक सेल वॉल है और ये प्लाज्मा ब्रेन है बीकर में जो वाटर है बाहर सेल के बाहर इसका सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है पॉइंट वन मोलार जैसे वहां पर एक कंपार्टमेंट ये में था और सेल के अंदर भी ऑब्वियसली सोल्यूशन होगा वाटर और किसी सोल्यूट का बहुत सारे सोल्यूट हो सकते हैं जान लीजिए यहाँ पर पॉइंट टू मोलारोलूट है कैन यू टेल मी इन वॉट डायरेक्शन वाटर विल मूव और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सेमी ही मेम्ब्रेन के तौर पर काम कर रहा है अब मुझे बता सकते हैं एज पर दस्मोसिस डेफिनेशन इन व्हाट डायरेक्शन वाटर विल मूव वाटर कहां से कहा मूव करेगा डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन और फ्रॉम लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्लियर तो अब क्या होगा वॉटर कहां से कहा मूव होना स्टार्ट होगा वॉटर मूव फ्रॉम बीकर टू इन साइड ऑफ द सेल साइटोसोल वॉटर यहां से यहां अंदर मूव होना स्टार्ट होगा ठीक है वॉटर क्यों मूव हो रहा है बाई विच प्रोसेस इट इज मूविंग अस्मोसिस लेकिन वॉटर जैसे जैसे अंदर जाएगा एक्यूबलेट होता रहेगाट हुआ तो प्लाज्मा एम्ब्रेन एक्सपांड होता रहेगा प्लाज्मा एम्ब्रेन एक्सपांड हुआ तो यह किस पर प्रेशर क्रिएट करेगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है एंटर करने वाला वाटर और वह वा किस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है सेल वॉल पर इसका मतलब वाटर सेल के अंदर जाने पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर क्रिएट करता है किसकी वजह से जा रहा था ऑस्मोसिस की वजह से जा रहा था और जो प्रेशर क्रिएट किया, किया जा रहा है उसको क्या कहा जाएगा नाउ वी कैन कॉल इट एज ऑस्मोटिक प्रेशर सो न्यू टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर व्हाट इज ऑसमोटिक प्रेशर अ प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू आसमोसिस प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टूसिस ऑसमोसिस की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर में वाटर क्यों मूव हो रहा था बिकॉज ऑफ आसमोसिस और ऑसमोसिस क्यों होती है वाटर की टेंडेंसी है नहीं किसकी वजह से वाटर ऑस्मोसिस करता है सोलिड की वजह से इसका मतलब प्रेशर प्रेशर पॉजिटिव नहीं है इट इज नेगेटिव प्रेशर वाई बिकॉज पॉजिटिव प्रेशर का मतलब है किसी ने वाटर को अंदर भेजा है पुश कर कर वाटर को अंदर किसी ने ढकेल दिया है ऐसा नहीं हुआ है एक्चुअली वाटर को कोई पुश नहीं कर रहा है बाहर से अंदर जाने के लिए सेल के बाहर से वाटर अंदर क्यों जा रहा था कोई बुलाने वाला था कोई सक करने वाला था सक्शन क्रिएट करने वाला था ऑस्मोटिक प्रेशर इज बिकॉज़ इट इज सक्शन प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू सोल्यूट सोलूट बुला रहा है वाटर को अंदर दैट्स वाई वाटर अंदर जा रहा है किसी ने बाहर से धक्का मारकर अंदर भेजा होता तो हम क्या कहते हैं इट इज अ पॉजिटिव प्रेशर धक्का कोई मार रहा नहीं है कोई पुल कर रहा है खींच रहा है अंदर कौन खींच रहा है सोल्यूट तो खींच रहा है कितना वाटर अंदर खींचा जाएगा इस पर डिपेंड होगा कितना वाटर आस्मोसिस करेगा या कितना वाटर एंटर करेगा इस पर डिपेंड है वापस सोल्यूट तो पर डिपेंड एबिलिटी ऑफ ए वाटर टू मूव इनटू द सेल टू क्रिएट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर बट दिस एबिलिटी कई बार टेक्निकली आसमोटिक प्रेशर को सोल्यूट पोटेंशियल भी कहा जाता है क्योंकि ये किसके वजह से हो रहा है किसका पोटेंशियल है ये सोल्यूट का पोटेंशियल है इट सोलुट पोटेंशियल को सॉरी सानेट किया जाता है और सास हमेशा निगेटिव ही रहेगा सोलिड पोटेंशियल हमेशा निगेटिव रहेगा क्योंकि ये किस प्रकार का पोटेंशियल है किसकी वजह से सोलिड की वजह से सोलिड के वाटर को अट्रैक्ट करने की वजह से है सोलिड पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है क्योंकि ये क्या क्रिएट कर रहा है निगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है लेकिन कितनी देर तक वाटर अंदर जाता रहेगा इंफाइनेटली नो वाटर अंदर जाता है प्लाज्मा ब्रेन पर प्रेशर क्रिएट करता है और प्लाज्मा ब्रेन एक्सपांड होगा इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन द सेल वॉल। एक लिमिट तक एक्सपांशन होगा लेकिन उसके बाद आगे चलकर सेल वॉल अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अपोजिट प्रेशर क्रिएट कर रहा है जो कि इसको रोकने के लिए है एक्सपांशन को रोकने के लिए है अपोजिट प्रेशर जो वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्रिएट करता है प्रेशर नोन एज टर्गर प्रेशर दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं टर्गर प्रेशर और डिफरेंट क्योंकि आसमॉटिक प्रेशर निगेटिव वाला है किसी ने वॉटर को सक किया इस वजह से वॉटर अंदर गया टर्गर प्रेशर खुद सेलवॉल क्रिएट कर रहा है किस पर प्लाज्मा ब्रेन पर पुश कर रहा है कई के लिए वाटर को अंदर मत लिए लेने लेना चाहिए या प्लाज्मा या सेल को बता रहा है आप वाटर को अलाउ मत करो इसके आगे अदरवाइज सेल विल बस्ट इसका मतलब टर्गर प्रेशर कौन सा प्रेशर है पॉजिटिव प्रेशर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर सेल वॉल ने किया गया प्रेशर है क्रिएट किया गया प्रेशर तो दैट्स पॉजिटिव प्रेशर इन्हें अल्टरनेटिवली हम यूज क्यों कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है बस साइन अपोजिट होता है मैग्नेट्यूड ऑफ टर्गर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम बट द साइन इज अपोजिट दैट वी कैन कॉल देम अल्टरनेटिवली या साइमल्टेनियस और अल्टरनेटिवली हम उन्हें यूज कर सकते हैं बस याद रखना टर्गर प्रेशर की वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आएगी और ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव निकल कर आएगी कितना ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा इट इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर ठीक है दिस इज अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर एंड ऑसमोसिस यहां पर हमने तीन कंसेप्ट डिस्कस किए आमोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर इन तीनों की डेफिनेशन आपको याद रखनी है हा ऐसमोसिस समझ में आया उसकी वजह से क्रिएट होने वाला प्रेशर आपको समझ में आएगा नाउ क्वेश्चन आ रहा है जिस वाईटिक प्रेशर इज देयर और प्रेशर विल बी क्रिएटेडरस्टूड कौन डिसाइड करेगा कितना ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है अमाउंट ऑफ सोल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलूट इसे टेक्निकली हम डिस्कस करेंगे आसमोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए यह फॉर्मूला यूज किया जाता है आईसीआर टी दिस इज द फॉर्मूला यूटिलाईज टू कैल्कुलेट दस्मोटिक प्रेशर पहले तो हमने कहा कि ये डिपेंड किस पर होता है आसमोलैरिटी अक्रॉस टू पॉइंट ठीक है इसे समझने के लिए हम इस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और एक टर्म निकल कर आ रही है हमने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन ऑस्मोलैरिटी अब ये ऑस्मोलैरिटी क्या होती है इसे समझने के लिए हमने यहां पर एक फॉर्मूला रखा है जिसे वेंट हॉफ फॉर्मूला कहा जाता है इसमें आई का मतलब होता है डिसोसिएशन एबिलिटी ऑफ अ डिसोसिएशन एबिलिटी ऑफ सोलूट कि सोल्यूट डिसोसिएट होने पर कितने एंटिटीज बना लेता है जैसे वाटर में ग्लूकोज ऐड कर दे तो कितने ग्लूकोज बनेंगे एक ग्लूकोज ऐड कर दिया तो एक ही ग्लूकोज रहेगा तो इसका आई वैल्यू क्या रहेगा वन हम सुक्रोज ऐड कर दे वॉटर में तो कितने सुक्रोज मिलेंगे एक सुक्रोज ऐड किया तो एक ही मिलेगा तो तो इसका भी वेंट ऑफ फैक्टर नंबर नंबर आई लेकिन हम ऐड कर दे वाटर में सुक्रोज तो नहीं हो पा रहा था कितने एक्टिव सोल्यूट देगा दो एनए प्लस माइनस That's why its i value will be एड कर दे तो क्या बनेगी एक Ca2+ बनेगा और दो Cl- बनेंगे इसका मतलब कितने एक्टिव एंटिटीज रिलीज कर रहा है एक CaCl2 CaCl2 कितने एक्टिव एंटिटीज रिलीज कर रहा है थ्री तो इसका i वैल्यू क्या होगा तो इसका मतलब आई वैल्यू क्या इंडिकेट करती है डिसोसिएशन कैपेबिलिटी ठीक है

ये तो बदलेगा नहीं आसमोसिस स्टार्ट होने पर और एंड होने पर ये टेम्परेचर बदलता नहीं है सेल्स में तो ये 37 रहेगा लेकिन रूम टेम्परेचर पर मान ले प्लीज टू नाइनटी डिग्री और डिग्री केल्विन वेन दसमास इज डन एट वॉट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा हम 25 डिग्री सेल्सियस पर ही आसमोसिस करें इस फॉर्मूला को देखें तो r और t तो चेंज होने वाले नहीं है इन पर द ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू डिपेंड नहीं है कौन सी वैल्यू चेंज होंगी सॉल्यूट तो का कंसंट्रेशन बदल सकता है और उसका आय डिसोसिएशन एबिलिटी बदल सकती है या वेंट ऑफ फैक्टर बदल सकता है ओवरऑल ऑस्मोटिक प्रेशर या अमाउंट ऑफ ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन विच वैल्यू आई इंटू सी आर ऑर टी तो कॉन्स्टेंट रहेंगे आई इंटू सी को मिलकर हम आसमोलैरिटी कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एस आसमोलैरिटी आस्मोलरिटी का मतलब क्या है सिंपली मोलरिटी का मतलब क्या होता है मोलरिटी का मतलब क्या होता है पर तो िटी का मतलब आसमोल्स पर लीटर बट यहां पर ऑस्मोल का मतलब समझ में आना चाहिए ऑस्मोल कैसे निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी सोल्यूट का आई इन टू सी पर लीटर आसमोलोरिटी निकालनी है तो मोलोरिटी को डिसोसिएशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे वन मोलार ग्लूकोज ले ले तो ये कितने आसमोलार बनेगा कितने आसमोलार वन मोल पर लीटर ग्लूकोज का सोलूशन हम बना दे तो इसकी आसमोलेरिटी क्या रहेगी इसकी मोलरिटी तो वन है ना आसमोलरिटी क्या रहेगी आसमोलरिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ आसमोल पर लीटर आसमोल कैसे निकालेंगे आई वैल्यू इंटू मोलरिटी आई वैल्यू इंटू मोलरिटी क्या होगी वन इंटू वन दैट इज वन आसमोल पर लीटर ठीक है जितने भी सोल्यूट्स जिनकी आई वैल्यू वन होती है उनकी मोलरिटी और में चेंज कुछ होता नहीं है जितने भी सोलूट्स जिसका किसी का आई वैल्यू वन होगा डिसोसिएशन ही नहीं होता है अकेला ही सोलूट रह जाता है सोल्यूशन में ऐड करने पर तो उसकी आई वैल्यू एक होने पर उसकी आसमोलरिटी और मोलरिटी एक बन जाती है सुक्रोज की आस्मोलिटी मोलरिटी एक होगी ग्लाइक्रोजन की मोलरिटी एक होगी एक कोई प्रोटीन लेंगे तो उसकी आसमोलिटी मोलरिटी एक होगी हाँ लेकिन NaCl का वन मोलार NaCl है तो इसकी आसमोलरिटी बता सकते हैं आप वन मोलार NaCl मीन्स वन मोल पर लीटर आसमोलरिटी कैलकुलेट करनी है तो आसमोल कैलकुलेट करना पड़ेगा आसमोल पर लीटर वन मोल NaCl मीन्स टू इंटू वन असमोल NaCl तो क्यों आई इंटू सी करना पड़ेगा आई इंटू सी मीन्स आई मीन्स

मोलार कैसे निकाल रहे हो आप ये क्या कर रहे हो molarity को आई वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो बराबर तो सिंपली हम इस प्रकार के पर आ रहे हैं कि किल आई इन टू मोलरिटी किसी भी चीज की आसमोरिटी निकालनी है तो मोलरिटी को आई से मल्टीप्लाई करो आई मीन डिसोसिएशन फैक्टर समझ में आ रहा है ऐसा सोलूशन जिसकी आस्मोलरिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा सोल्यूट का ठीक है आस्मोलेरिटी और एक चीज यहां पर आस्मोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आस्मोटिक प्रेशर आस्मोटिक प्रेशर आस्मोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर ठीक है इसे समझेंगे हम एक एग्जाम्पल के साथ कोई बीकर है ये कोई सेल है इसमें पॉइंट टू मोलार सोल्यूट है हाँ आपको डिसोसिएशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई बताया गया नहीं कि कोई सोल्यूट का नाम क्या है और बाहर जो है पॉइंट वन मोलार सोलूट तो प्रोबेबली टी कहां ज्यादा होगी आसमोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी क्योंकि जितनी ज्यादा मोलरिटी उतनी ज्यादा आसमोलरिटी तो अंदर सेल के साइटोसोल में आसमोलरिटी क्या है ज्यादा है देन आउटर साइड ऑफ अ सेल ठीक है आउटर साइड से आसमोलरिटी सेल के अंदर ज्यादा है

सेल के अंदर वाले ऑस्मोटिक प्रेशर और बाहर वाला ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर कर बताइए कितना आ रहा है सेल के साइटोसोल का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे आई सॉरी पाई इज इक्वल टू तो, माइनस आई वैल्यू मान लीजिए वन है क्योंकि सोल्यूट का नाम नहीं बताया गया है तो हम वन मानकर चलेंगे सी क्या है अंदर वाला पॉइंट टू की वैल्यू टू नाइनटी सॉरी आर की वैल्यू वन पॉइंट नाइन एट सेवन और के वैल्यू या टेम्परेचर टू नाइनटी एट तो ऑसमोटिक प्रेशर क्या निकल कर आया माइनस क्या निकल कर आ रहा है क्या निकल कर आया मल्टीप्लाई कर कर बताइए क्या निकल कर आ रहा है पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट नाइन एट सेवन इंटू टू नाइनटी एट क्या आया माइनस वन वन एट पॉइंट फोर अब इसका यूनिट हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन लेकिन ये एक सौ अठारह माइनस आया है माइनस आया बाहर वाला कैलकुलेट करेंगे बाहर वाला कितना आएगा आउटसाइड द सेल आउटर साइड का कैलकुलेट करेंगे आउटर साइड का कितना आएगा टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन आउटर साइड दैट इज इन द बीकर डायरेक्टली इसकी तो यहां इतनी आ रही है आउटर साइड की वैल्यू क्या आएगी? आप आएंगी हाफ आएंगे ना माइनस फिफ्टी नाइन पॉइंट जीरो टू ओके okay, जो भी है लेकिन ये माइनस फिफ्टी नाइन और हम इससे मानकर चलिए माइनस एट वन वन एट है तो हमने एक स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर ये यह सही है ना ये स्टेटमेंट सही है ना जहां पर आसमोलिटी ज्यादा वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा यही प्रूव करना था तो अब और एक चीज यहाँ पर मुझे बताइए वाटर कहां से कहां मूव होता है आसमानसिस होगा ये तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो वाटर कहां से कहां मूव होगा फ्रॉम वेयर टू वेयर फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन और फ्रॉम लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर लेकिन सोल्यूट के लो कॉन्सेंट्रेशन से सोल्यूट की हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मीन्स लो ऑसमिटी से हाई ऑस्मोलोरिटी की ओर क्या होता है वाटर हमेशा मूव होता है तो यहां पर और एक स्टेटमेंट लिखेंगे आप वाटर मूव फ्रॉम वाटर मूव फ्रॉम लो ऑसमोलैरिटी टू हाई ऑस्मोलरिटी ठीक है अब इसको ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्म में लिखना हो तो ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होती है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के सेंस में बताना है कहां से कहां होती है कहां से कहां होती है वहां कहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है या ज्यादा नेगेटिव है यहां पर वन माइनस वन वन एट है यहां पर माइनस फिफ्टी नाइन है कैसे बताएंगे हाउ कैन यू डिफाइन इट हाउ कैन यू टेल इट ऑस्मोटिक प्रेशर के सेंस में आपको ऑस्मोसिस बतानी है ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगी आप, आपको आपको ऑसमोटिक प्रेशर के सेंस में बताना है कैसे बताएंगे कहां से कहां हो रही है आउटसाइड टू इनसाइड हो रही है ना ये तो पता है लेकिन लेस निगेटिव ऑस्मॉटिक प्रेशर टू मोर निगेटिव ऑसमोटिक प्रेशर राइट दिस स्टेटमेंट क्योंकि इसी प्रकार के स्टेटमेंट बाद में कंफ्यूजन करेंगे ऑसमोसिस आकर फ्रॉम लेस निगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर टू मोर निगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर

थर्ड हमने सोल्यूट के सेंस में डिफाइन किया मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिबल मेम्रेन ऑसमोलरिटी के सेंस में हमने डिफाइन किया वाटर मूवमेंट थ्रू सेमी परमिबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो ऑसमोलरिटी टू हाई ऑसमोलरिटी अब हम डिफाइन कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के सेंस में ऑस्मोटिक प्रेशर जहां पर ज़्यादा निगेटिव होता है उस डायरेक्शन में वाटर मूव होता है लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव समझ तो में आ रहा है हाँ यहां पर रियलिटी में देखेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कौन सी ज्यादा है एक्चुअल कौन सी ज़्यादा तो, -18, ना वन एट वन वन एट तो हम कहेंगे कहां से कहां मूव होता है वाटर? कहां से कहां हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू तो, लो ऑस्मोटिक प्रेशर लेकिन निगेटिव सेंस में बताना है आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे में बताना कैलकुलेट तो तो, so, करना है मल्टीपल सोल्यूट जिस सोल्यूशन में प्रेजेंट है उसका वट इज द फॉर्मूला यूटिलाईज इसी फॉर्मूला का यूज कर हम और एक फॉर्मूला डिजाइन करेंगे जब मल्टीपल सोल्यूट होते हैं ना किसी भी सॉल्यूशन में तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाई इज़ इक्वल टू माइनस आरटी ये तो कॉमन है ना सभी के लिए आई वन सी वन प्लस आई टू सी टू प्लस आईएन ये क्या है सभी सोल्यूट्स की मिलकर जो आस्थमॉलरिटी आएगी वह फाइनल सॉल्यूशन की आस्थमॉलरिटी रहेगी बराबर फाइनल सॉल्यूशन कितना ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा ये डिपेंड है सभी सॉल्यूशंस की मिल्क सॉरी सॉल्यूट्स की मिलकर ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है सम टोटल ऑफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ ऑल सॉल्यूट्स डिसाइड द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सॉल्यूशन क्लियर कैन यू टेल मी द ऑस्मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन हैविंग 0.1 मोलार ग्लूकोस एंड 0.2 मोलार सुक्रोज मुझे बता सकते हैं आप इसकी आसमान क्या रहेगी आर और टी वही मानकर चलना है टू नाइनटी एट और 1, 1, 1 क्या करेंगे कैसे निकालेंगे आप पहले तो ग्लूकोज की आसमोलिटी देखेंगे सुक्रोज की आसमानिटी देखेंगे दोनों को एड अप कर, कर यहां पर लिखेंगे बराबर पाई इज इक्वल टू माइनस आर मीन पॉइंट नाइन एट सेवन टू नाइनटी एट इन ब्रैकेट ऑस्मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोजिस आई इन टू सी आसमोरिटी क्या है इसकी पॉइंट वन ठीक है ग्लूकोज की ऑस्मोलैरिटी लिख लिया हमने यहां पर इन ब्रैकेट प्लस आसमोरिटी सुबक्रोजिस आई इन टू सी मोलरिटी इन टू आई आई वैल्यू तो वन होती है तो मोलरिटी के बराबर ही आएगा ना आसमोलोरिटी पॉइंट वन प्लस प्रेशर क्या आएगा माइनस वन पॉइंट नाइन एट सेवन इंटू टू नाइन एट पॉइंट थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पॉइंट थ्री क्या आया सभी के मिलकर ऑस्मोलैरिटी आई क्लियर है ठीक है सो so, इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीपल सोल्यूट की ऑस्मोलैरिटी इन एनी सोल्यूशन हर एक सोल्यूट की ऑस्मोलैरिटी एडअप कर कर फाइनली आई इन सॉरी आर और टी से मल्टीप्लाई करो ऑस्मोटिक प्रेशर निकल कर आएगा लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल यहां पर कोई बीकर है यहां पर एक दूसरा बीकर है हमने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सोल्यूट्स के सोल्यूशन बनाकर रखे हुए हैं। ये सोल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ग्लूकोज है यहां पर सुक्रोज है यहां पर ग्लाइकोजन है और यहां पर एनेसियल है मोलार कॉन्सेंट्रेशन तो सभी का लगभग सेम है तो मुझे आप ये बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा एसमोलिटी वाला सॉल्यूशन कौन सा है सभी की वॉल्यूम तो सेम रहेगी मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम है मीन्स विच इज द मोस्ट एसमोलर सॉल्यूशन, सबसे ज्यादा एसमोलिटी वाला सॉल्यूशन कौन सा रहेगा एनएसएल वाला ठीक है अब बता सकते हैं लीस्ट एसमोलिटिव वाला तो समझ में आ रहा है कौन है Lycogen वाला, बाकी तीनों के बारे में क्या ओपिनियन है आपका वॉट इज अबाउट दिटी ऑफ ए बी डी तीनों की ऑसमिलरिटी इक्वल है सेम है ऑस्मोटिक प्रेशर कितना क्रिएट करेंगे सेम क्रिएट करेंगे सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर कहां पर क्रिएट होगा में होगा क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए कंसेप्ट तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए तब जाकर आप अपना दिमाग लगा सकते हो थी, ठीक है सो दिस इज अबाउट सम एनालिटिकल क्वेश्चन नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन ये कोई बीकर है और इसमें मैंने कोई सेल सस्पेंड कर दी सेल में पॉइंट फाइव मोलारोलूट है और बीकर में जो वाटर है वह भी एक मिक्सचर है सोल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन है पॉइंट टू मोलार नाउ टेल मी अबाउट द कंपेरेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के साइटोसोल में कितना है बाहर कितना है टेल मी अबाउट ऑस्मोलरिटी। एंड टेल मी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। डायरेक्शन ऑफ नेट आसमोसिस ऑसमोसिस किस डायरेक्शन में होगी तीनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ठीक है कहाँ पर ऑसमोटिक प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा कैल्कुट करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली लॉजिकली बता सकते हो आप कहां पर ज्यादा क्रिएट होगा ऑसमोटिक प्रेशर ज्यादा मीन्स ज्यादा निगेटिव जहाँ कहाँ पर रहेगा चल के अंदर क्योंकि जहां पर सोल्युड ज्यादा वहां पर आसमोटिक प्रेशर ज्यादा क्योंकि ऑसमोटिक प्रेशर किसकी प्रॉपर्टी है सोल्यूट का पोटेंशियल है छ भी आएगा लेकिन यहां पर मोर निगेटिव रहेगा ज्यादा निगेटिव रहेगा यहां पर निगेटिव ही रहेगा लेकिन लेस निगेटिव रहेगा एसमोलरिटी कहां ज्यादा रहेगी सोलूट जहां पर ज्यादा है आसमोलरिटी बीकर में कम है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर लेस आसमोलरिटी टू तो, मोर आसमोलरिटी लेस निगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर टू तो, प्रेशर में बीकर जो वाटर है वह सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट तो यहाँ पर दो सोल्यूशन कर रहे हैं। एक और एक बाहर वाला सोल्यूशन जो बीकर वाला सोल्यूशन तो दो सॉल्यूशन का रिलेटिव कंसंट्रेशन क्या होता है इस हिसाब से सॉल्यूशंस को हम तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं रिलेटिव कंसंट्रेशन या रिलेटिव ऑस्मोलोरिटी क्या होती है relative osmotic pressure क्या होता है? इस हिसाब से एक तो सोल्यूशन होता है hypotonic. Tonic का मतलब सोल्यूशन ऑफ बीकर हाइपोटोनिक टोनिक कहां की बात की जा रही है बीकर के सोल्यूशन की बात की जा रही है हाइपोमीन्स लेस और टोनिक का मतलब सोलूट कहाँ का बीकर के सोल्यूशन के लिए बात की जा रही है तो मैंने किसी सेल को लिया सेल पहले तो फ्लासिड थी फ्लासिड इन द सेंस ऐसी सेल ना फेल हो चुकी है ना श्रिंक हो चुकी है नॉर्मल है तो हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल को डाल दिया अब आप समझ लेना हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है हाइपोटोनिक मीन्स कंपेरेटिव टर्म है ना ये कंपेयर में इसका टोनिक कम है इस सॉल्यूशन का टोनिक कम है टोनिक मींस सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है किसके कंपेयर में साइटोसोल के कंपेयर में यही है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है किसको कंपेयर कर हम इसे हाइपोटोनिक कह रहे हैं साइटोसोलिक सॉल्यूशन को कंपेयर कर तो सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दे तो क्या होगा वाटर कहां से काम वो करेगा लो हाई सेल होगी और सेल में इवन लाइज बस्ट भी हो सकती है कोई रोकने वाला नहीं रहा सेल वॉल नहीं रहा तो क्या हो सकता है लाइज हो सकती है बस्ट हो सकती है सेल तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल डालने पर सेल बस्ट होने के चांसेस होते हैं स्वेल होती है नेक्स्ट हाइपरटोनिक का मतलब क्या रहेगा हाइपरटोनिक कोई सेल है जिसके साइटोसोल में सोल्यूशन है और ये बाहर वाला सोल्यूशन है जो कि हाइपरटोनिक है हाइपर मीन्स ज्यादा टोनिक वाला है ज्यादा मीन्स ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला ये सोल्यूशन है सोलूट यहां पर ज्यादा है और सोलूट यहां पर कम है तो आप मुझे बताइए आप क्या होगा सोलड जिस तरफ ज्यादा होता है वाटर उस तरफ मूव करेगा आप सेल के बाहर वाटर निकलना स्टार्ट होगा सेल श्रिंक हो जाएगी आसपास सेल रहे सेल के आसपास सेल वॉल रहेगा तो सेल का प्लाज्मा सेल वॉल से दूर जाएगा बराबर सेल वॉल से दूर जा रहा है श्रिंक हो रहा है तो इसे प्लाज्मोलाइसिस भी कहा जाता है लाइस नहीं हो रही है सेल यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर जा रहा है बिकॉज ऑफ श्रिंकेज यहाँ पर भी सेल की डेथ हो सकती है आइसोटोनिक का मतलब क्या है आइसो मीन्स सेम टोनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलूट यहाँ पर जितना आइस सोल्यूशन है उतना ही सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का यहाँ पर है साइटोसोल में जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है उसी प्रकार का कॉन्सेंट्रेशन या उसी अमाउंट में

ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस स्टॉप्स ये तो आंसर नहीं रहेगा ऑब्वियसली आसमोसिस नेट ऑस्मोसिस बिकम जीरो बट ऑस्मोसिस रिमेन कंटिन्यू आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड जितने वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो सेम रहेंगे नेट रेट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बिकम सेम और इक्वल एंड द नेट रेट इक्वल है तो नेट आउटपुट तो जीरो रहेगा नेट ऑस्मोसिस जीरो रहेगी लेकिन ऑस्मोसिस कंटिन्यू रहेगी तो ऐसा नहीं होगा कि सेल आइसोनिक सोल्यूशन में डालने पर ऑस्मोसिस रुक जाएगा ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस फेवर्ड फेवर्ड इन इन इनसाइड इनवर्ड डायरेक्शन डायरेक्शन आउटवर्ड दिस इज नॉट अ केस द रेट ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज इक्वल टू रेट ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड दिस आर द कंक्लूजंस दैट कैन बी ड्रॉन हियर मोस्ट ऑफ दिस टाइम्स हम जब सेल आइसोलेट करते हैं ना तब आइसोटोनिक सोल्यूशंस में डालते हैं ताकि सेल श्रिंक ना हो ताकि सेल बर्स्ट ना हो बट यही चीज नेचुरली होती है हम तो सेल बैक्टेरिया आइसोलेट करेंगे तो प्योर बैक्टेरिया कौन से सोल्यूशन में डालते हैं सलाइन बनाकर डालते हैं ना आइसोटोनिक सोल्यूशन में कोई प्लांट सेल आइसोलेट करेंगे प्लाज मेनली प्लांट सेल आइसोलेट करने के बाद भी हम प्लांट सेल लाइज होना नहीं चाहिए बर्स्ट सॉरी स्रिंक नहीं होना चाहिए इस वजह से कहाँ पर डालते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन में लेकिन नेचुरली सही में सेल्स आइसोटोनिक सोल्यूशन में होते हैं नो नेचुरली सभी सेल्स की टेंडेंसी होती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रहने की ऑल सेल्स इन इन नेचर टेंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रहने के बावजूद सेल्स बस नहीं होते हैं क्यों क्योंकि उनके पास कुछ अडाप्टेशन है जैसे प्लांट के बारे में देखे फंजाई के बारे में देखे और बैक्टीरिया के बारे में देखे तीनों के पास

आसपास बाहर के एन्वायरमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे बाहर के एन्वायरमेंट से ज्यादा ही हमारे सेल्स में सोल्यूट है लेकिन सेल्स के आसपास जो एनवायरमेंट होता है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्ल्यूड कहते हैं उसका एसमोलरिटी और सेल के अंदर वाली एसमोलरिटी सेम होती है बाहर के एनवायरमेंट के लिए हम हाइपोटोनिक में रह रहे हैं ओके okay, लेकिन कंपेरेटिवली ये सेल है और सेल के आसपास जो मैट्रिक्स रहेगा उसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा और यहाँ पर जो फ्लूड होता है उसे एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड कहा जाएगा एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है या वो तो प्रेशर होता है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर या सोलड पोटेंशियल कहाँ होता है सेल के अंदर होता है गलती से ब्लड या एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड में सोल्यूड ज्यादा बढ़ जाए तो, में, में, तो क्या हो जाएगा बॉडी में हमारे बॉडी में ब्लड में सोल्युड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बढ़ गया किसी कारण बढ़ गया सॉल्यूट कंसंट्रेशन तो क्या होगा आसपास के सेल्स तो क्या होना स्टार्ट होंगे श्रिंक होना स्टार्ट होंगे दैट लीड टू द डेथ ऑफ सेल सॉल्यूट कम हुआ तो क्या होगा आसपास वाला आसपास वाला सॉल्यूट कम हुआ तो क्या होगा तो सेल बर्स्ट होंगे डायबिटिक पेशेंट में क्या प्रॉब्लम पाया जा सकता है जितना ग्लूकोस चाहिए था उससे ज्यादा ग्लूकोस ब्लड में पड़ा रहा तो क्या चांस बढ़ जाएगा श्रिंक होने का चांस बढ़ जाएगा सेल डेथ हो जाएंगी तो so दैट इज is इश्यू ज्यादा ग्लूकोज रहने से हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं अच्छी बात है नेक्स्ट टाइम खाना कम खाना पड़ेगा लेकिन प्रॉब्लम क्या है ज्यादा देर तक ग्लूकोज ब्लड में रहेगा तो बहुत सारे सेल्स श्रिंक हो सकते हैं दैट लीड टू द डेथ ऐसा नहीं होना चाहिए दैट शुड बी मॉडरेट ये कम रहा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी ज्यादा रहा तो भी प्रॉब्लम है ठीक है कोई मराइन कंडीशन में रहने वाली फिश मराइन फिश को हम पॉंड में लाकर छोड़ देंगे प्योर वाटर में तो क्या होगा मराइन फिश जिसे आदत है जो अडाप्टेड है हाई सोलूड कॉन्सेंट्रेशन में रहने के लिए उसको हम प्योर पॉंड में के वाटर में लाकर छोड़ेंगे तो क्या होगा बहुत स्टार्ट होंगे ना तो वह उनकी डेथ हो जाएंगे पॉन्ड के जो फिश होते हैं उन्हें मराइन कंडीशंस में छोड़ दे तो श्रिंक हो जाएंगे ओके तो इसका मतलब पॉन्ड वाले फिश या प्योर वाटर वाले फिश आपने आप आ, मेंटेन रखना चाहते हो तो हम उसे कहाँ पर मेंटेन रख सकते हैं प्योर वाटर में ही मेंटेन रखना है ओशियानिक या मराइन वाले फिश पकड़ कर लाए हैं तो उसे मेंटेन रखना है तो कहां रखेंगे हाई कंटेनिंग वाटर में ही रखना पड़ेगा क्लियर वन एनालिटिकल क्वेश्चन कोई भी ऑर्गेनल आपको इंटैक्ट फॉर्म में आइसोलेट करना है तो वो भी लाइज नहीं होना चाहिए बराबर लाइज नहीं होना चाहिए तो ऑर्गेनल आइसोलेशन के बाद ऑर्गेनल के अंदर जितना आस्मोलरिटी है उतनी की उतनी आस्मोलरिटी बाहर होनी चाहिए तब जाकर ऑर्गेनल लाइज नहीं होगा तो यहां पर एक सोल एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और आपको पूछा गया है कि कितने कितनेटी वाला सोल्यूशन बनाएंगे ताकि लाइजोजोम लाइज ना हो सपोज द मेजर सोल्यूट इन इंटैक्ट आर लाइजोजो के अंदर के सी एल है एन ए सी एल है जीरो पॉइंट जीरो मोलर वेन आइसोलेटिंग सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर टू प्रिवेंट स्वेलिंग एंड लाइसिस बनाना पड़ेगा ना ज्वेलिंग एंड लाइसेंस अवॉइड करना चाहते हो तो आइसमेनिक सोल्यूशन बनाना पड़ेगा मींस पहले तो क्या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जितना स्मोलरिटी लाइसोसोम के अंदर है उतनी की उतनी बाहर रखनी पड़ेगी तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने मोलार का सुक्रोज सोल्यूशन बना लेंगे पहले तो हम लाइजोसोम के अंदर वाली आसमोलरिटी कैलकुलेट करें कितनी <ख़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़�> है

और हमें बाहर भी उतनी ही रखनी पड़ेगी लेकिन इतनी लाने के लिए कौन सा स्वरूप ले रहे हैं आप सुक्रोज ले रहे हैं। मोलोरिटी एंड आसमोलोरिटी दे आर रिलेटेड विद ईच अदर बाय दिस फॉर्मूला क्लियर ठीक है ना यही फॉर्मूला यूज होता है या िटी का ये फॉर्मूला है आई इन सी या आप डायरेक्टली सी की जगह ये लिख सकते ठीक है चाहिए कितनी है आपको पॉइंट थ्री सिक्स आई वैल्यू क्या है सुक्रोज की वन मोलैरिटी so, क्या लेनी पड़ेगी फिर सुक्रोज so, की मोलैरिटी क्या आनी चाहिए सुक्रोज कितने मोलार बनाएंगे पॉइंट थ्री सिक्स मोलार तब जाकर लाइसिस नहीं होगी लाइसोजोम की क्योंकि सुक्रोज का आई वैल्यू वन होता है सिमिलरली ह्यूमन के एक्स्ट्रा सेलूलर फ्लू मीन ब्लड की आसमोलरिटी होती है पॉइंट थ्री जीरो एट तो ह्यूमन का कोई भी सेल आपको टेस्ट में आइसोलेट कर स्टोर करना है

मोलरिटी यही है रिलेशनशिप पॉइंट थ्री जीरो एट सोल्यूट क्या लेना चाहते हो आप एन तो आई वैल्यू टू आएगी दैट इज पॉइंट थ्री जीरो एट डिवाइडेड बाय टू जीरो पॉइंट वन फाइव मोलार कहा जाता है ना सोल्यूशन इस सॉरी साल्ट या सलाइन इस कॉन्सेंट्रेशन का होगा परसेंटेज निकालने को कहा गया तो कितने परसेंट का इनिशियल बनाएंगे तो तो का मतलब क्या है परसेंटेज निकालना है कल निकाल कर लाइए दिमाग लगाकर क्योंकि हमने ये सभी चीजें पढ़ी है मोलार को परसेंट में परसेंट को मोलार में कैसे कन्वर्ट कर रहा होता है सभी चीजें हमने इनिशियली पढ़ी है कल मुझे आपको बताना है कि कितने परसेंट वाला इनिशियल बनाया जाए ताकि आरबीसी लाइज ना हो मोलारिटी तो निकल कर आइए पॉइंट वन फाइव 0.15 तो इसको कंसेंट्रेशन परसेंट में कन्वर्ट करना है ठीक है कल मुझे आपको बताना है तो दिस इज वन एनालिटिकल क्वेश्चन ऑस्मोसिस तो हमने पढ़ ली ऑस्मोसिस में क्या होता है वाटर आपने ये वाटर आपने हाई कंसंट्रेशन की ओर से लो कंसंट्रेशन की ओर वो हो रहा है लेकिन सोल्यूट के उल्टा सॉल्यूट कम है उस साइड से जहां पर सॉल्यूट ज्यादा है उस साइड तक मूव होता है दिस इज ऑस्मोसिस ना रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगी जो कि बेसिक प्रिंसिपल है आरओ मशीन का रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है ऑस्मोसिस से उल्टा यहां पर क्या हो रहा था लेस सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट वाटर मूव हो रहा था यहां पर हम क्या करते हैं कोई मेम्ब्रेन लगाते हैं यहां पर ज्यादा सोल्यूट वाला वाटर है ज्यादा सोलूट वाला वाटर है यहां पर और हमें इस से इसे वाटर को पास करना है ताकि हमारे पास क्या वाटर निकल कर आए लेस सोल्यूट वाला या प्यर वाटर जिसमें सोल्यूट कम है या प्यर वाटर हमें मिले ठीक है तो क्या करना पड़ेगा इज इट सक्शन प्रेशर वी कैन अप्लाई हियर वी कैन नॉट अप्लाई सक्शन प्रेशर क्योंकि इस साइड में सोल्यूट ही नहीं है तो क्या अप्लाई करेंगे तो यहां पर आप क्या करते हो रिवर्स ऑस्मोसिस में पीछे से क्या क्रिएट किया जाएगा पॉजिटिव प्रेशर ऑस्मोसिस जैसे निगेटिव प्रेशर की वजह से होती है रिवर्स ऑस्मोसिस पॉजिटिव प्रेशर की वजह से होती है जबरदस्ती हम हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वाटर वाटर को किसी मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर देते हैं सेमी मेम्ब्रेन के थ्रू ताकि यहाँ पर सोल्यूट रुक जाएंगे और आगे कौन जाएगा प्योर वाटर जाएगा और वही हम पीने के लिए यूज करते हैं ठीक है सो दिस इज अ रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस की सभी चीजें ऑस्मोसिस से उल्टा है ऑस्मोसिस बेस्ड ऑन द नेगेटिव प्रेशर रिवर्स ऑस्मोसिस बेस्ड ऑन पॉजिटिव प्रेशर ऑस्मोसिस में लेस टू हाई सोल्यूट वाटर मूव होता है रिवर्स ऑस्मोसिस में हाई सोल्यूट टू लेस सोल्यूट वाटर मूव होता है और यही हमें करना होता है ठीक है सो दिस इज अबाउट ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर